आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंकिता। मेरी बस यही कामना है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू गोभी को मैं फ्राई कर चुकी हूँ और ये है ठंडे मसाले की सब्ज़ी जिसको मैं भून रही हूँ। और ये ठंडे मसाले में क्या क्या पड़ा है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें है लहसुन, मिर्चा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, लहसुन, मिर्चा, जीरा, धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, उसके बाद से मैंने इसको इसमें तड़का दिया है आपका मेथी का। मेथी का मैंने इसमें तड़का दिया है। फिर इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, इसको अच्छे से भून लूँगी मसाले को। फिर इसके बाद से मैं डालूँगी इसमें टमाटर, बाद में धनिया की पत्ती। पहले ये मसाला अच्छे से भून लूँगी फिर इसमें टमाटर डालूँगी, वरना ये जो सरसों है कच्चा थोड़ा सा स्मेल आने लगेगा सब्ज़ी में सरसों की। देखिए मैं भून रही हूँ। एक बार और आपको याद दिला देती हूँ, इसमें मैंने डाला है लहसुन, हरा मिर्चा, थोड़ा सा धनिया आधी चम्मच, मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। और फिर इसमें मैंने धनिया, फिर थोड़ा सा जीरा डाला है और उसके बाद से मैंने दो चार दाने इसमें गोल मिर्च के डाल दिए हैं। ये अब मेरा भून के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा टमाटर डाल के फिर एक बार इसको अच्छे से भूनूंगी। ये मेरा टमाटर अब भूनने के लिए हो गया है रेडी। मैं डाली हूँ, थोड़ा तेज आंच करूँगी। हेलो दोस्तों, देखिए मैं इसको भून रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इसी से करछुल से ही अच्छे से थोड़ा मैं दबा दूँगी, थोड़ा तेज आंच करूँगी। धनिया की पत्ती मैं ये लास्ट में डालूँगी, जैसा कि सब सब्जी में होता ही है। इसमें मैं एक काम और की हूँ, जब मैं इसमें शुरुआत में तेल में ही जब मैं मेथी का तड़का दे रही थी तो उसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने जिंजर मतलब अदरक थोड़ा सा इसमें घिस दिया था तेल में ही। उसके बाद से मेथी था वो जब लाल हो गया है तो फिर मैंने मसाला डाला है। तो जिसको अदरक पसंद हो वो थोड़ा सा इसमें अदरक तेल में ही ऐसे रब कर दे, क्रश कर दे और उसके बाद से मेथी डाल दे, वो दोनों लाल हो जाए, उसके बाद से मसाला डाले। ये देखिए हो गया है लाल। अब इसमें पड़ने वाली है सब्जी। इसके बाद से सब्जी पड़ने के बाद इसमें जितना आपको पानी डालना हो, जितना रस आपको चाहिए उतना आप पानी इसमें डाल दीजिएगा। देखिए मेरा हो गया है मसाला, अच्छी तरह से भून गया है, लग भी रहा है मसाला मेरा। अब मैं इसमें डालूँगी अपना, अब इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे चला के अच्छे से इसको ढक दूंगी। और इसमें मैंने मसाले में ही नमक डाल दिया है और हल्दी मसाले में डाल के मैं भूल दी थी। अब ये मैं ऐसे इसको ऐसे चला के अच्छे से 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दे दूँगी। उसके बाद मैं पानी डालूंगी, थोड़ा सा इसमें मिल जाए। ये मैं ढक दी, 5 मिनट के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी अपने स्वादानुसार आपको डालना है। तो हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरा हो गया है। 5 मिनट के लिए इसको ढकी थी, थोड़ा सा छोटा सा ठीक हो गया। 5 मिनट 10 मिनट आप इसको ढक देंगे ना, 10 मिनट तो नहीं, 5 मिनट से भी कम ही। तो ढक देने पे ना थोड़ा सा इसमें अंदर इसके मसाले वसाले सब घिस जाते हैं, थोड़ा मतलब स्वाद आ जाता है। देखिए पानी तो मेरा थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और मैं पानी डालूँगी। मैं पानी डाल रही हूँ, हाँ मुझे इतना पानी चाहिए ये सबको पकने के लिए और रस के लिए, मुझे इतना पानी चाहिए। अब मैं इतना डाल दूँगी
और लास्ट में मैं ये अपना धनिया काट के इसमें डाल दूंगी। ये मैं ढक रही हूँ, ये हो जाएगा। ओके, चलिए खा के बताइए ये सब्जी कैसा बना हुआ है। नमस्ते, बाय बाय।